वेलकम टू एसेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल फॉर रेगुलर अपडेट लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका नेक्स्ट लेक्चर अभी केमिस्ट्री में करूंगा और केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स का कंटिन्यू आगे आरहेनियस एक्टिवेशन एनर्जी एंड देन आरहेनियस इक्वेशन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आगे कंटिन्यू। चलिए, आज का टॉपिक होगा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करिएगा आप ये के द्वारा। ठीक है, चलिए अब ये समझिए कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या कहलाएगा अब ये देखना आपको। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी समझने के लिए सबसे पहले आप ये जानिए, नाम से यहाँ पर भी देखिए क्लियर हो पा रहा है, एक्टिवेशन एक्टिवेट करना, किसको? केमिकल रिएक्शन को। नहीं तो केमिकल रिएक्शन एक्टिवेट करने का मतलब क्या हो रहा है ना, कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो आप उसको मिनिमम एनर्जी दीजिएगा, माने एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो आप एनर्जी सप्लाई करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, वही उसका एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। पहले मैं डिफिनेशन लिखता हूँ तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ तीन डिफिनेशन लिखेंगे, तीनों टर्म समझाएंगे। पहले देखिए आप, क्या इसमें आपका इस बोर्ड में यहाँ तक आ सकता है? देखिए तो ये आ रहा है, नहीं यहाँ देखिए तो ये यहाँ तक आता है ये कवर। ठीक है, मंडी मार्केट। चलिए अब देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए पहले डिफिनेशन आप लिख लीजिए, फिर आगे मैं समझाता हूँ। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द मिनिमम एनर्जी required to start a chemical reaction is called its activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा। एक और इसी को लिखता हूं, और द मिनिमम एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल so that its energy becomes equal to threshold energy called activation energy। ठीक है, अभी सारा मैं क्लियर करता हूँ, पहले आप लिख लीजिए, है ना। एक और टर्म यहाँ पर आया, इसको भी मैं अभी यहीं बतला देता हूँ ताकि आगे समझाने में हमको आसान होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हुआ? The energy of reactant at which chemical changes occurs called its threshold energy, नहीं चलिए और एक और लिखता हूँ, सबको एक बार ही डिफाइन करूँगा मैं आपको। The difference of
the difference of threshold energy, the difference of threshold energy and average kinetic energy, average kinetic energy of reactant molecule, average kinetic energy of reactant molecule is called its activation energy. अब देख, activation energy इसका मतलब क्या हो गया? Activation energy that is EA किसके इक्वल हो गया? ये threshold energy, threshold energy माइनस एवरेज kinetic energy, एवरेज kinetic energy ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, नोट करिए। मैं अब देखिए अब इसे को समझा रहा हूँ। इसमें आप इस तरह से समझिए ना, जो यहाँ ये रिएक्शन के रूप में है, एक बार रिएक्शन के रूप में भी बता देता हूँ तब फिर आगे कंपेयर करता हूँ। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितना एनर्जी चाहिए? जैसे रिएक्शन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट पोर्शन होगा ना, ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट में अब बताइए प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगा? तो रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें बॉन्ड डिसोसिएट करेगा। रिएक्टेंट में जो वहाँ पर जैसे आपको लिया ए प्लस बी है ना, आप प्रोडक्ट मान लिया सी प्लस डी बन रहा है, एक थियोरेटिकल रिएक्शन बता रहा हूँ। तो देखिए तो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा, मान उसमें जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा। तो रिएक्टेंट में बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा और बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तब प्रोडक्ट में फिर नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो किसी भी रिएक्शन में दो चीज़ होता है, एक बॉन्ड का डिसोसिएशन एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो पहले रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जो है उसमें क्या होगा, बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा। तो बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा तो उसके लिए तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो ये बोल रहे हैं कि कम से कम कितना एनर्जी रिएक्टेंट को दिया जाए ताकि वो रिएक्शन हो सके। तो ये लिखा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। मान किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी सप्लाई करेंगे वो उसका एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। अब यहाँ पर आइए दूसरा, द मिनिमम एनर्जी सप्लाई टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट इट्स एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आप समझिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या कहलाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी हुआ ना कि जिस एनर्जी पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता हो, मतलब जहाँ पर केमिकल चेंजेस होता हो, जिस एनर्जी पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता हो है ना, उसी एनर्जी का नाम यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा गया। मतलब जहाँ केमिकल चेंजेस होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का मतलब केमिकल चेंजेस में, केमिकल चेंजेस होना, ठीक है। तो अब देखिए समझिए, मान ली रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, समझेंगे, और ये प्रोडक्ट में है। मान ली इस रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है ना, सपोज यहाँ पर 30 कैलोरी है, अभी इसके पास 30 कैलोरी है रिएक्टेंट का एनर्जी, और इस रिएक्शन को होने के लिए यहाँ पर आपको चाहिए कितना, 50 कैलोरी, समझिएगा। इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है वो कितना है, 30 कैलोरी, और इस रिएक्शन को होने के लिए, रिएक्शन को प्रोडक्ट में बदलने के लिए कम से कम कितना एनर्जी चाहिए आपको, 50 कैलोरी। तो बताइए ये 30 है और इस रिएक्शन को होने के लिए कितना चाहिए, 50। तो ये 50 कैलोरी जो हुआ ना, यही थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगा इस रिएक्शन का। माने थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हुआ, वैसा एनर्जी जिस पर केमिकल चेंजेस होता हो, है ना। तो इस रिएक्शन का थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, तो बोलिए अभी तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्टेंट के पास 30 कैलोरी है, तो हम क्या करेंगे इसमें 20 कैलोरी और यहाँ पर एनर्जी इसको दे देंगे। जैसे ही 20 कैलोरी दे देंगे तो इसका एनर्जी किसके बराबर हो गया, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गया। नहीं, और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर आ गया मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। मतलब यही हो गया कि रिएक्टेंट को कम से कम कितना एनर्जी दें, जैसे पहले से 30 था, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कितना एनर्जी दें ताकि इसका वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। तो कितना एनर्जी देना पड़ा, 20 कैलोरी, यही ना हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए दूसरे रूप में आइए, ये कौन सा एनर्जी था, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यही ना था थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा, और ये क्या, रिएक्टेंट का एनर्जी। तो रिएक्टेंट का जो एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये नहीं लिखा, ठीक है। अब देखिए तो ये जो 20 कैलोरी हो गया, ये क्या हो गया, इसका एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं,
देखिए तो 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20, मतलब क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट गिव्स यू एक्टिवेशन एनर्जी, एंड द डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो वही चीज तो लिखा है, अभी देखिए द डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। एक तरह से यहां समझा, ठीक है, नहीं भी समझा तो दूसरे तरीके से समझिए, बताइए। मान लिया गया, अब देखिए कोई बच्चा है, अब कोई स्टूडेंट एग्जाम दिया और उस एग्जाम में उस पेपर में पास होने के लिए उसको 30 नंबर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ समझे, उसको पास होने के लिए कितना चाहिए, 30 नंबर। लेकिन वो बच्चा जो है अपने मेरिट का, अपने मेहनत के बदौलत, मान लिया सपोज दैट 25 नंबर लाया, उसको चाहिए कितना, 30 नंबर चाहिए पास होने के लिए, है ना। लेकिन वो कितना लाया, 25 ही नंबर लाया, ये मार्क्स ऑब्टेंड कितना किया, 25 ही किया, ठीक है। तो बताइए पास तो नहीं करेगा, तो क्या करेंगे भाई, इसको 5 मार्क्स और दे दीजिए ग्रेस में, यहाँ पर 5 मार्क्स और दे देंगे तो 30 नंबर नहीं हो जाएगा इसका। तो ही हुआ, इस बच्चे को एग्जामिनेशन पास कराने के लिए कितना नंबर अलग से दिया गया, 5 नंबर दिया गया, तो वही तो उसका हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने उसको प्रमोट कर दिया, एक्टिवेट कर दिया गया, नेक्स्ट क्लास में आप जाइए, क्यों, ये 5 नंबर देकर उसको एक्टिवेट या प्रमोट किया गया, यही तो एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, समझा। तो ही बोल रहे थे ये 25 नंबर किसका था, उस बच्चे के द्वारा लाया गया नंबर था, नहीं तो वही 25 नंबर मतलब ये किसका हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का अपना एनर्जी है, कभी जीरो नहीं हो सकता रिएक्टेंट का अपना एनर्जी, इसलिए बोल रहा हूँ ये बच्चे के द्वारा ऑब्टेंड क्या हुआ, एनर्जी हो गया। तो इसी तरह से रिएक्टेंट का भी जो एनर्जी होगा वो जीरो नहीं होगा, जब भी होगा तो कुछ तो वैल्यू होगा, मान लिया रूम टेम्परेचर ही है, तो रूम टेम्परेचर कितना हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसके कारण उसका थर्मल एनर्जी होगा ना, बहुत हो जाएगा थर्मल एनर्जी क्या वैल्यू। उसी तरह से यहाँ पर भी ये क्या हो गया कि आपका काइनेटिक एनर्जी जो बच्चे के द्वारा ऑब्टेंड किया गया मार्क्स, वो हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और जो पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, 30 नंबर, वो हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आपने कितना उसको एक्टिवेट आगे क्लास में प्रमोट होने के लिए दिया, 5 नंबर, तो अगले क्लास में जाने के लिए यहाँ पर 5 ही नंबर ना दिया उसको, तो ये 5 क्या करा जाए, उसका एक्टिवेशन एनर्जी, बस यही हो गया, कोई खास तो डिफरेंस है नहीं, इतना समझ जाना चाहिए सिंपल, ठीक है। चलिए अब ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं, हटाइए अब इसको, कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितना एनर्जी देते हैं वो उसका कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी, और किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जितना एनर्जी की जरूरत पड़ता है वो कहलाता है उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी हम कितना कर दें ताकि उसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, वही उसका कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसी को मैं दिखाता हूँ आपको ग्राफ के द्वारा, चलिए अब ये समझने के लिए यहाँ पर देखिएगा, ये सब तो थियोरेटिकल पोर्शन था, आप समझ जाएंगे, अब इसका मेन पार्ट आया, ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, दो चीज़ अलग से बताता हूँ, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना तो उसमें क्या होता है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है एंड प्रोडक्ट में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पुराना बॉन्ड टूटेगा नया बॉन्ड बनेगा, डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, एंड बॉन्ड जब भी डिसोसिएट होगा तो वहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, अब बॉन्ड जब भी फॉर्म होगा तो वहाँ एनर्जी रिलीज होता है, इतना मालूम होना चाहिए तब आगे कंसेप्ट क्लियर होगा। और दो चीज़ और जानिएगा जो मैं अभी अलग इससे ही बता देता हूँ, एक टर्म आता है यहाँ पर देखिए रिएक्शन के बारे में, पहले समझिए, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, पहले कुछ मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि यही सब चीज़ की जरूरत पड़ेगा आगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ डेल्टा एच का वैल्यू होता है पॉजिटिव, एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी, अभी हम डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, ये सब 11th में था, थर्मोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत, अभी उसका कुछ यूज़ कर लेता हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है जी, यहाँ पर हीट या एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगा, पहला कंडीशन। दूसरा, इसमें एनर्जी ऑफ एंथैल्पी या एनर्जी बोलिए, इसमें एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, जैसे रिएक्शन लिखते हैं ना रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये कंडीशन, जैसे रिएक्शन है आपकी यहाँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो किसका एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का है,
तो यहाँ डेल्टा एच निकालिए, तो डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी, फाइनल माइनस इनिशियल, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, वैल्यू क्या आ गया? पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पर ज़्यादा होता है. ये इतना आपको रखना होगा इंडोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड. ठीक है, एक टर्म और जानिए, एक्सोथर्मिक से रिलेटेड, क्योंकि इसी से रिलेटेड भी हम आपका ग्राफ का नेचर बताएंगे. इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पर हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज्ड होता है, हीट रिलीज्ड होगा, और इस कंडीशन में इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. इसमें रिएक्टेंट का ही एनर्जी ज़्यादा होता है. इंथैल्पी में एनर्जी समझे ना, सिंपल. तो बताइए फिर उसी तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट, बताइए चेंज इन इंथैल्पी, चेंज क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. बोले क्या गया? रिएक्टेंट का ना ज़्यादा है तो वैल्यू क्या गया? नेगेटिव. एकदम माइंड में रखें इस दोनों चीज़ को कि इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी फॉर एक्सोथर्मिक नेगेटिव एंड इंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव. यहाँ तक हो गया हमारा. और एक चीज़ और, जब भी बॉन्ड बनता है ना, तो बॉन्ड के बनने में एनर्जी रिलीज होगा, और बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी देना पड़ता है. मतलब एक टर्म और जान रखिए, ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, ड्यूरिंग डिसोसिएशन, या इस तरह लिख दीजिए, सॉरी, डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड इज एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक प्रोसेस वाइल फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. देखिए ये सब आइडिया रहेगा तब आगे समझ में आएगी अच्छी तरह से. क्या लिखा? जब भी बॉन्ड टूटता है तो हाँ एनर्जी देना पड़ता है, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, ये बोला जा रहा है. ठीक है, नोट करिए. अब देखिए ग्राफ का आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है रिएक्शन प्रोग्रेस से. अब यही चीज को मैं बता रहा हूं. चलिए अब देखिए इसका ग्राफ में इसका रिलेशन. चलिए अब आइए आप खुद बताइएगा, जहां एनर्जी देना पड़ेगा एंडोथर्मिक, रिलीज होगा एक्सोथर्मिक. आप खुद बताइए इसमें कि किस तरह का ये ग्राफ है. मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, खुद अपने हिसाब को बताना है. देखिए मान लीजिए को रिएक्शन लिखता हूँ इस तरह का, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये रिएक्शन लिखा, इसका यहाँ पर ग्राफ दिखा रहा हूँ. देखिए आपका इस एग्जाम्पल का आपका एक दिखा रहा हूँ यहाँ. देखिए इधर आपको दिखा रहा हूँ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इधर आप दिखा दे रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस. ठीक है, चलिए अब इसमें से मुझे देखिए, अब ये कर रहा हूं इसमें, मान ली रिएक्शन रिएक्टेंट है ये. ठीक है, यहां पर और इस रिएक्टेंट को देखिए, ये जो दिखाएं यहाँ पर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का दिखा रहा हूँ. ठीक है, और इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए कम से कम कितना एनर्जी, मान ले हमको ये इतना एनर्जी देंगे ना इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, यहाँ तक एनर्जी देंगे तब ये स्टार्ट होगा. मतलब ये जो एनर्जी हो गया, देखिए यहाँ पर ये ठीक है इस तरह बनाया. देखिए तो रिएक्टेंट का एनर्जी हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हुआ ना यहाँ पर फॉर्म, ये बोला क्या हुआ, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ER,
रिएक्टेंट का अपना एनर्जी हो गया ये, और ये क्या है रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो ये जो एनर्जी यहाँ पर आया ये एनर्जी है प्रोडक्ट, क्लियर है। अब आप देखिए इस फॉर्म में इसको कम से कम कितना एनर्जी दी है, यहाँ तक दिए, और देखिए यहाँ तक क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ता जा रहा है देख रहे हैं, उसके बाद फिर घट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में वहाँ बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा होगा, बॉन्ड टूटेगा तब बॉन्ड टूटने में एनर्जी देना पड़ता है, तो वही एनर्जी देंगे तो एनर्जी देंगे बॉन्ड, देखिए बढ़ता जा रहा है माने बॉन्ड वहाँ डिसोसिएट हो रहा है फिर एक ऐसा समय आ गया ना जहाँ पर क्या हुआ कि वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो गया, माने अब लास्ट आ गया, अब उसके बाद वो क्या होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट में जैसे ही कन्वर्ट होगा वहाँ बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब वहाँ एनर्जी रिलीज होगा, इसका मतलब एनर्जी घटेगा। देखिए इसके बाद क्या प्रोडक्ट में बदलना शुरू हो गया, एनर्जी रिलीज हुआ देखिए घटता चला जाएगा। तो ये क्यों बढ़ रहा है समझ में आया यहाँ पर ना, कि वहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहा है टूट रहा था। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये जो यहाँ पर इसका नाम क्या बोला, यही हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि इस रिएक्टेंट को कम से कम कितना एनर्जी दी है, इतना एनर्जी दी, ये किसका रिएक्टेंट का एनर्जी हुआ ये वाला, और यहाँ से यहीं तक ना एनर्जी आपने दिया इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, तो इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, और ये जो पॉइंट हो गया क्या कहलाएगा इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना। तो ये बोला गया कि रिएक्टेंट को कम से कम कितना एनर्जी दें ताकि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, तो यही इतना एनर्जी देना पड़ गया, ठीक है, ये हो गया इसका एक्टिवेशन एनर्जी। और उसके बाद जैसे ही प्रोडक्ट में बदलेगा तो यहाँ पर देखिए क्या एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्यों, बॉन्ड फॉर्म करेगा, एनर्जी रिलीज होगा तो एनर्जी घटेगा। अब देखिए आप खुद समझिए, तो ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, अब यहाँ देखिए तो किसका एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर है, ये प्रोडक्ट का एनर्जी और रिएक्टेंट का। यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, देखिए प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है ना रिएक्टेंट से, तो बताइए, तो इसी को हम बोल सकते हैं ऐसे भी, इस एनर्जी को इंट्रिंसिक एनर्जी दिखा रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज़ है यहाँ पर क्या प्रोडक्ट का, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एक ही चीज़ हो गया ये। तो बताइए डेल्टा एच का वैल्यू क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या आ गया पॉजिटिव, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब देखिए और भी प्रूफ, ये तो ऐसे ग्राफ के द्वारा बता दिया, और भी प्रूफ कर सकता हूँ, देखिए तो यहाँ पर रिएक्टेंट का देखिए यहाँ से यहाँ तक एनर्जी दिया ना, ये एनर्जी सपोज दैट समझिएगा यहाँ पर जो हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ गया यहाँ से यहाँ तक जो देना पड़ गया, सपोज दैट यहाँ पर 50 कैलोरी हमको हीट देना पड़ रहा है, एनर्जी देना पड़ रहा है, इस रिएक्टेंट को कितना दिया 50 कैलोरीज एनर्जी दिया, बट रिलीज जो करेगा देखिए तो क्या 50 के बराबर होगा, उससे कमी क्या, मान लो यहाँ पर 40 कैलोरी ही एनर्जी रिलीज हुआ, देख रहे हैं ये प्रोडक्ट का क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं रिएक्टेंट का ये था, रिएक्टेंट का ये है, अब प्रोडक्ट तो उसके पहले ही आ गया, तो ये एनर्जी जो रिलीज होगा ना वो निश्चित रूप में है कि इससे क्या होगा कम होगा रिलीज। तो यहाँ देख रहे 50 कैलोरी आपने हीट दिया लेकिन यहाँ पर क्या हुआ 40 कैलोरी ही रिलीज किया, तो ये जो 40 कैलोरी रिलीज किया ये फिर यूज हो गया, लेकिन ये 40 कैलोरी से फिर रिएक्शन आगे नहीं पड़ेगा, रिएक्शन नहीं कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, अब अलग से हमको यहाँ पर क्या होगा 10 कैलोरी और हमको देना पड़ेगा, तब ना फिर ये आगे रिएक्शन प्रोसीड करना पड़ेगा। तो ये 40 जो रिलीज किया उसमें अलग से कितना 10 कैलोरी हमको देना पड़ गया, मतलब कौन सा रिएक्शन हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो ये ग्राफ किसका हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन का हो गया, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का हो गया, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का हो गया, समझ में आया। चलिए अब इसी का एक और दिखाता हूँ, अगर यही रिएक्शन रिवर्सिबल होता, रिएक्शन ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट ये रिवर्सिबल होता तब यहाँ पर क्या होता, इफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल, इफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल, अगर ये रिवर्सिबल होता मतलब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहा था, तब यहाँ देखिए क्या होगा इस रिएक्शन का दूसरा फॉर्म। चलिए देखिए अब यही चीज को दिखा रहा हूँ मैं, सारा चीज वही है, ऐसे लिख भी देता हूँ मैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया, ठीक है, और इधर रिएक्शन प्रोग्रेस,
रिएक्शन प्रोग्रेस ठीक है। चलिए अब इस कंडीशन में देखिए, फिर यहाँ पर आपको उसी तरह से दिखा देता हूँ मैं। ये रिएक्टेंट हो गया ठीक है। अब देखिए तो रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया ठीक है। और बताइए ये जो पॉइंट हो गया ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, या यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्यों एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे अभी बता रहा हूँ, इसका भी एक्सप्लेन करता हूँ। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट, यहां पर देखिए ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ठीक है। चलिए आप समझिए अब इसको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जब आप रिएक्टेंट को इधर से देखिए, इधर से जा रहे ना अभी, तो ये रिएक्टेंट को कम से कम इतना एनर्जी देना पड़ेगा तब ना प्रोडक्ट में बदलेगा। तो ये वाला क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, और किसके लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इधर जा रहे हैं। अब यही रिएक्शन क्या है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में बदलेगा। तो देखिए अब यहाँ पर ये क्या है, ये एनर्जी हो गया किसका, प्रोडक्ट का। अब ये बदल रहा है क्या चीज में, प्रोडक्ट में बदलेगा, इधर रिवर्स में ये प्रोडक्ट बदल रहा है रिएक्टेंट में। तो इसको अब क्या होगा, इतना एनर्जी, ये वाला क्या कहला है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ए बी। अब ये प्रोडक्ट बदलेगा रिएक्टेंट में, तो इसको कम से कम कितना, ये वाला एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी चाहिए तो क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए और ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब आप खुद रिलेशन निकाल दीजिए, यहाँ पर डेल्टा एच इजकल टू, चलिए बताइए इसमें इंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तब पॉजिटिव होना चाहिए डेल्टा एच का वैल्यू, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होने के लिए बड़ा में छोटा घटा दीजिए, तो किसका बड़ा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ये हो गया, इससे आप एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड या एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन का निकाल सकते हैं। डेल्टा एच दिया रहेगा, कोई एक दिया रहेगा, तो आप निकाल सकते हैं ठीक है। तो इसी चीज़ का एक ग्राफ दिखाया गया आपका। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में ये दिखा रहे कि प्रोडक्ट में कैसे ये कन्वर्ट होगा। चलिए देखिए, मान लिया को रिएक्शन, यहाँ देखिए ऐसे लिखता हूँ, एच टू अब प्लस आई टू, क्या चीज बदल गया, टू एच आई। देखिए कैसे रिएक्शन हो रहा होगा, ये जो रिएक्टेंट का बॉन्ड यहाँ पर है एच और एच के बीच, देखिए एच एच और यहाँ क्या, आयोडीन आयोडीन ठीक है। ये तो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल हो गया। अब इसको यहाँ पर क्या किया, रिएक्टेंट का ये है, यहाँ पर तो रिएक्टेंट हुआ नहीं है। अब इस रिएक्टेंट को हम एनर्जी देंगे, तो एनर्जी दीजिएगा तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं ना ये, तो रिएक्टेंट को कितना एनर्जी दे है ना, ताकि वो रिएक्शन हो सके। तो रिएक्टेंट को जो एनर्जी देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या, पार्शियली बॉन्ड टूटेगा है ना, पार्शियली। तो देखिए रिएक्टेंट का क्या होगा, इस तरह से H, ये पार्शियली बॉन्ड टूटा, और यहाँ I, ये भी पार्शियली बॉन्ड टूटा ठीक है, I I के बीच ये पार्शियली टूटा, लेकिन पार्शियली इधर बॉन्ड बनेगा भी एच आई और एच आई के बीच। देख रहे ये बॉन्ड टूटा तो इधर से पार्शियली क्या, बॉन्ड बना। इसी पॉइंट को बोलते ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसी एक्टिवेटेड कंपाउंड कहिए इसको, इस जगह को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जहाँ क्या हुआ, बॉन्ड टूट रहा है और नया बॉन्ड बनने की तैयारी भी है। ये बॉन्ड टूट भी रहा है और नया बॉन्ड बनने की तैयारी भी है। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, देखिए फिर क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा, अब फाइनली क्या होगा, यहाँ पर से ये कंप्लीट, यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट कर नया बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। देखिए क्या हुआ, ये एच आई टू एच आई, अब यहाँ पर क्या, नया बॉन्ड फिर कंप्लीट बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा एच आई का। यही हुआ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, कि इसमें क्या होता है, जो आप एनर्जी दिए तो उस एनर्जी से बॉन्ड टूटा, अब बॉन्ड ये पार्शली टूट रहा है और यहाँ पर पार्शली बन भी रहा है ठीक है। अब फिर उसका जब बॉन्ड बनेगा तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ एच आई के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो एच आई के बीच बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड के बनने में एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है तो ऑटोमेटिक है ये क्या घटेगा, यहाँ पर एनर्जी देखिए प्रोडक्ट का, देखिए घट रहा है। तो यही क्यों, यहाँ प्रोडक्ट के जो बन रहा है उसमें क्यों एनर्जी घट रहा है, तो वही इसका रीजन बताया, क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा ठीक है। दिखाइए इस पर आता है न्यूमेरिकल आपका, इस ग्राफ से
चलिए भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए भाई दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा एच का वैल्यू होगा आपका नेगेटिव। किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट का, इसमें एनर्जी रिलीज होता है। चलिए देखिए अब उस भी सारा चीज प्रूफ कर देते हैं। चलिए यहाँ देखिए सेम कंडीशन है, और इधर से करता हूँ ताकि दोनों के साथ दिखा देंगे फिर आपको। ठीक है देखिए कि इधर दिखा रहा हूं आपका उसी तरह से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है इधर रिएक्शन प्रोग्रेस। और मान लिया हम इस तरह से ग्राफ दिखाए, देखिए इस तरह से बना रहेगा आपका, ये आपका रिएक्टेंट और ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या हो गया भाई, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जहां एक्टिवेटेड कंपाउंड बनता है, इसमें पार्सली बॉन्ड टूटेगा भी, पार्सली बॉन्ड बनने की तैयारी में भी है। और ये वाला पॉइंट तो मालूम है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसके पहले वाला हम लिखा हुआ है, अब देख लेंगे ग्राफ, यहाँ जगह या दिखा देता हूँ, रुकिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है तो देखिए तो इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए कम से कम कितना एनर्जी चाहिए, ये क्या हो गया एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन के लिए। चलिए आप देखिए तो इस कंडीशन में ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट का एनर्जी और ये प्रोडक्ट का एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये तो क्लियर है। तो चलिए बताइए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक ही चीज़ है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा एच, डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का ज़्यादा है वैल्यू कैसा आ गया नेगेटिव। अब आप खुद बताइए कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, कहीं तो हमको यहाँ पर बताना था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। चलिए और दूसरे तरीके से बताता हूँ, यहाँ पर देखिए किसका, यहाँ पर देख रहे हैं ये इतना इधर से इधर ये, और इसका एनर्जी यहाँ तक, ये प्रोडक्ट वाला ज़्यादा है। देखिए ना यहाँ पर जो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो आप एनर्जी दिए, मान लिया आप 50 कैलोरी यहाँ पर तोड़ने के लिए एनर्जी दिया रिएक्टेंट को, बट ये जो रिलीज कर रहा है यहाँ पर देखिए मान लिया 70 कैलोरी ये एनर्जी रिलीज किया, तो देखिए बॉन्ड तोड़ने के लिए यहाँ पर कितना देना सप्लाई करना पड़ा 50, लेकिन तोड़ने के लिए कितना देना पड़ा है 70। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका यूज कर ये रिएक्शन फिर प्रोसीड कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी 20 कैलोरी क्या हुआ रिलीज कर दिया, 50 कैलोरी ये यूज कर लिया है ना इस रिएक्शन के द्वारा फर्दर ये 50 कैलोरी यूज हो गया, तो बाकी जो 20 हुआ वो क्या हुआ रिलीज हो गया। तो ये देखिए इस रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। चलिए अगर इसी रिएक्शन को हम दिखा दें रिवर्सिबल के केस में, अगर हम ऐसा ले लें ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए, अब देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाले केस में रिवर्सिबल हो जाए, फिर उसी तरह के यहाँ पे देखिए तो इस कंडीशन में फिर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और इधर रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है।
चलिए देखिए अब उसी तरह से वही रिएक्शन है, ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट और यहां पर ये वाला क्या आ गया जी प्रोडक्ट। दिखा देता हूं मैं, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये हो गया आपका एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। चलिए देखिए तो अब इस रिएक्शन को ये कौन सा एनर्जी हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी जो पहले बता चुका, ये कौन सा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जहां पर कि क्या पार्शियली बॉन्ड डिसोसिएट किया एंड पार्शियली बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट की ओर कन्वर्ट हो रहा है। तो चलिए देखिए ये एक्टिवेशन एनर्जी, तो बताइए इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए कौन ये एनर्जी इतना चाहिए, ये इसके लिए क्या हो गया एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ दोनों साइड से हमको बतलाना है फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड साइड से भी, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। चलिए अब यहाँ पर आइए देखिए इसके लिए ये कंडीशन में, तो अब देखिए तो अब रिएक्शन को यहाँ से ये इसको इस बैरियर को पार करना है तो यहाँ पर कितना एनर्जी देना पड़ेगा ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन का हो गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब आप यहाँ पर देखिए तो दो चीज़ कि डेल्टा एच कौन सा रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, ये भी तो कन्फर्म है एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू होना चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव होना चाहिए इसका मतलब क्या है छोटा में बड़ा घटाएंगे, इसमें देखिए छोटा वैल्यू कौन है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, लिख सकता हूँ ये, तो ये भी क्या हुआ ये वैल्यू कैसा आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव आने के लिए आपको इन करना पड़ेगा, अगर नेगेटिव लाना है तो छोटा में बड़ा को घटा देंगे ई एफ माइनस ए बी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये इसका कंसेप्ट हो गया। यही एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड मैं बताना चाह रहा था, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा, मैं क्वेश्चंस एक बार बता दूंगा, पहले इतना आप लिखिए।